उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जौनसार बावर सांस्कृतिक महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने भवन निर्माण के लिए 2,50,00,000 रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा कि इस भवन का उपयोग जरूरतमंद छात्रों के अध्ययन के लिए भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड अध्यात्म और योग की भूमि होने के साथ साथ संस्कृति, साहित्य और कला की भूमि भी है। उत्तराखंड ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहीं पौराणिक लोक संस्कृति को जीवित रखने और संजीव रखने का कार्य प्रमुखता से किया गया है तो वो हमारा जौनसार बावर का क्षेत्र है। आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने अपनी संस्कृति के बारे में बताया, बहुत सारी बातें बताई। मेरा भी मन था कि मैं आप लोगों से बहुत देर तक बात करता, आप सबके बीच में रहता, और जब हारूल में आपके साथ आया था तो मुझे बचपन की याद ताजा हो गई। जब ऐसे ही हम लोग बहुत सारे जो खेल लगाया करते थे, चांचली करते थे, तो ये अपने आप में एक बहुत हमारी सामूहिकता का भी और हमारी संस्कृति का भी एक अनूठा एक संगम है। और इससे कहीं ना कहीं हम जो हमारी संस्कृति हमको विरासत में मिली हुई है, उस संस्कृति को जानने का, उसको आगे बढ़ाने का, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहे उसमें कुछ करने का, योगदान करने का ये बहुत अच्छा अवसर होता है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मुझे बताया। मैं सोच रहा था कि प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम होता होगा, लेकिन अभी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 10 सालों बाद इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक वर्ष इसको और धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, और उसमें हमारे जितने भी सांस्कृतिक संगीत हैं, कल्चर है, वो सब जहां किया जाना चाहिए, और उसके पीछे एक हेतु भी होना चाहिए कि आज जो हमारे घरों के बच्चे हैं, बेटे बेटियां, जो लगातार आज ज्ञान विज्ञान से परिचित होकर, नए परिवेश से परिचित होकर आगे बढ़ रहे हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, वो अपनी संस्कृति को भी साथ में आगे बढ़ाने का काम करें, अपनी संस्कृति उनसे न छूटे, बोली भाषा न छूटे, इसका प्रयास हम सबको जरूर करना चाहिए।